उधर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए गुरुवार को परीक्षा आयोजित कराई। इस दौरान कांग्रेसियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि प्रवक्ता के लिए ऐसी किसी परीक्षा की कोई पूर्व सूचना उन्हें नहीं थी। वहीं प्रश्न पत्र देखकर कई पूर्व प्रवक्ताओं और परीक्षा में शामिल होने वाले नेताओं के पसीने छूट गए। इस परीक्षा में कुल 14 सवाल पूछे गए थे। इन सवालों में केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की असफलताओं के साथ साथ मनमोहन सिंह सरकार की सफलताओं और उपलब्धियों के बारे में सवाल पूछे गए। लखनऊ के पीसीसी दफ्तर में बकायदा लिखित परीक्षा हुई, जिसमें छोटे और बड़े लिखित सवालों के बाद इंटरव्यू भी लिया गया। डेढ़ घंटे की इस परीक्षा में कांग्रेस के करीब 70 नए पुराने चेहरे शामिल हुए।